आतिया। कातिया, क्या तुम लाई? हाँ चलो। ये आज हमारे साथ है, ये रूल्स के खिलाफ है फिर भी। खैर शुरू करें। अभी वक्त नहीं हुआ है। सोनिया देखो डरो मत। अड़ोनाई के नाम से जिसने जहन्नुम बनाया, अड़ोनाई के नाम से जिसने जहन्नुम बनाया, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ इस नाम से कड़ोस कड़ोस कड़ोस, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ इस नाम से कड़ोस कड़ोस कड़ोस, ईश्वर के नाम से जईम कनतन एनी, ईश्वर वाले के नाम से जईम कनतन एनी, मैं तुम्हें शैतान के नाम से हुक्म देती हूँ जो अंधेरे के ऊपर वाले को पूछते हैं, मैं तुम्हें शैतान के नाम से हुक्म देती हूँ जो अंधेरे के ऊपर वाले को पूछते हैं, अंधेरे के राजकुमार, अंधेरे के राजकुमार, अंधेरे के राजकुमार बाहर आ जाओ, खुद को सामने लाओ, अंधेरे के राजकुमार, अंधेरे के राजकुमार, अंधेरे के राजकुमार बाहर आ जाओ, खुद को सामने लाओ। रहो मैं आ रही हूं। विक्टर इवानोविच, मैं खास तौर पर आप जैसे बेस्ट लॉयर के पास आया हूँ। इग्निटी डीएम यानोविच, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। प्लीज करिए, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरी कातिया बस एक बच्ची है। ये तो बहुत ही ज्यादा दुख की बात। तो हम उस घर में मिलेंगे और इंतजार करेंगे। क्या नाम था? स्टोलमन। हाँ हाँ स्टोलमन। खैर ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, क्या बात है? हुआ ये है कि कुरेजीन के व्यापारी के घर में जो खाली पड़ा था उसकी बेटी ओलंपियादा पाई गई, जिसका गला कटा हुआ था। उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। और उसके साथ
प्रोखरो की बेटी कातिया भी वहीं थी और सोनिया मोलचलीना। लड़कियां शैतान को बुला रही थी साधनों के साथ, एक चाकू, एक आईना, और फिर आपका काम हो गया। वो सब वहां करने क्या गई थी? क्या प्रोखरोव की बेटी ने उसे मारा है? हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते, उन्हें सिर्फ खून से भरा चाकू हथियार के रूप में मिला है। बेचारी बच्ची पर क्या बीती होगी। समस्या तो यह है कि प्रोखरोव की बेटी 14 साल की है, अगर उसका कसूर साबित होता है तो उसे सुधार गृह भेजना पड़ेगा। कितनी अजीब बात है। इसमें अजीब बात क्या है? प्रोखरोव बहुत अजीब है, लगता है वो कुछ छुपा रहा है। फिर शुरू हो गई। ऐसा सोचना भी मत, अपनी टांग इन सब कामों में तो मत अड़ाओ। वैसे भी तुम्हें हर समय भयानक सपने आते रहते हैं। मामा, मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं डैड के साथ जा रही हूँ। हाँ, क्या होगा अगर प्रोखरोव सच में कुछ छुपा रहा है तो उस लड़की के लिए खतरनाक है ये। ईश्वर तुम्हारा भला करे, लेकिन वो उसका पिता है और आप मेरे डैड हैं, इसलिए मैं आपके साथ आऊंगी। एक जिम्नेशियम लड़की को मौत के घाट उतारा गया है और दो लड़कियां एकदम डरी हुई हैं, मगर कोई गुनाह कबूल नहीं कर रहा है। जानते हो याको प्लाटोनोविच, मुझे सच में मकसद समझ में नहीं आ रहा है। शायद उन दो लड़कियों को पता होगा। मरी लड़की का खून उन दो लड़कियों के कपड़ों पर है, कातिया प्रखरोवा और सोनिया मोलचलीना। हाँ, मगर ये मानना मुश्किल है कि दोनों में से एक ने उसे पकड़ा होगा और दूसरी ने हमला किया होगा। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करना चाहेगा। डॉक्टर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये साफ जाहिर है कि उस पर ऊपर से हमला किया गया है, बहुत गहरा घाव है। मुझे लगता है कोई उसके पीछे खड़ा होगा। हेलुसिनेशन, मगर इस तरह का हमला अचानक भी हो सकता है डॉक्टर। हाँ, जिंदगी छोटी है, अनुभव लंबे हैं। हाँ, जिंदगी छोटी है, अनुभव छलते हैं और विज्ञान बहुत विशाल है डॉक्टर। वो कत्ल की जगह तुम्हारे देखने लायक नहीं है। मॉम, आप कुछ मत कहिए, वैसे भी आप क्या कहने वाली हैं मुझे वो सब पता है। हाँ, तुम्हें पता है कि तुम कई बार स्टोलमैन के साथ देखी जा चुकी हो। मैं उनसे सिर्फ काम के लिए मिलती हूँ बस। एक जवान लड़की को पुलिस के साथ आखिर क्या काम हो सकता है? मॉम, आप अच्छी तरह जानती है हमें कौन सा काम था। इसके अलावा मिस्टर स्टोलमैन यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से आए हैं। जानती हो लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? यही कि उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग से निकाला गया था उनके बुरे व्यवहार के कारण। सच में उन्होंने ऐसा क्या किया था? लोग तो उनके बारे में ये भी कहते हैं कि वो ओपियम स्मोक करते थे और तो और खरीदते भी थे। मॉम, उनका काम ही ऐसा है, वो वहां पुलिस के काम के लिए गए थे। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो? ये बांसुरी किस लिए है? मैं बजाऊंगी। एना, मैं हाथ जोड़ती हूं, मत जाओ वहां। एंटोन, लड़कियों के अलावा लगता घर में और कोई नहीं था। अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं सर, क्योंकि कुछ साफ नहीं है, पता लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। कुछ तो समझ आया होगा। तीन जिम खाने की लड़कियों ने शैतान को बुलाने का निश्चय किया और उनमें से एक लड़की का शिकार हो जाता है। कितना अजीब लगता है। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब जरूर नहीं है। छुइए मत, मुझे ये बहुत ही बुरा संकेत लगता है। देखिए, हमें जल्द से जल्द
एना विक्टोरोवना को बुलाना होगा, क्योंकि उनके आने के बाद ही आगे की शिनाख्त होगी सर। तो क्या उसके आने से पहले हम कुछ कर नहीं सकते? देखिए सर, लड़कियों ने अपनी दोस्त को नहीं मारा होगा, आप मेरी बात को समझ तो रहे हो ना सर। और वो कोरिकिन्स अभी अभी यहां पर रहने आए थे, और अब ये सब हो गया। इस दरवाजे के पीछे क्या है? कोई भूत या जगह है क्या? हाँ, डैड, ओलंपियाडा के पिताजी को क्या हुआ था? उन्होंने खुदकुशी कर ली एक महीना पहले, कोई नोट भी नहीं छोड़ा था, और उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। रोको। और कुछ दिनों के बाद ही कोई उनकी लड़की को मार देता है उसी घर में, ये बहुत अजीब है। कुछ ऐसी अफवाह सुनी है कि कुरियोखिन ने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी यहीं इसी घर में, और इसीलिए उसकी बेटी को मार दिया गया जब उसने खुद ही शैतान को बुलाने की कोशिश की थी। डैड, आप बता सकते हैं कुरियोखिन की विधवा और उसकी बेटी ने घर क्यों छोड़ा था? वो इस घर को बेच नहीं सकती थी, लेकिन इसमें रह तो सकती थी उसके पति की मौत के बाद भी, और उसने सोच लिया कि घर मनहूस है। ठीक है, चलो चले। खैर, लगता है सब लोग आ गए जेंटलमैन। लगता है शायद हमें देर हो गई। नहीं, आप वक्त पर आ गए हैं। एंटोन, तुम लिखना शुरू करो। शुरुआती सवाल ओलंपियाडा कुरियोखिना के मर्डर के केस में है, तो यहां सोफिया मोलचलिना अपने पिता के साथ मौजूद हैं, येकटेरिना प्रखरोवा उसके पिता के साथ, और मिस्टर प्रखरोव के वकील मिस्टर मिनरो भी यहां पर मौजूद है। ये मेरी बेटी एना विक्टोरोवना है, मेरी असिस्टेंट। तो शुरू करते हैं। लड़कियां, आप बताना शुरू कीजिए, इतनी देर रात को यहां आकर शैतान को बुलाने का क्यों सोचा आपने? वजह बताइए। क्या हमें जेल भेज रहे हैं? बुद्धू लड़की, तुम्हें कौन जेल में भेजने वाला है समझ सोचो। चलो जवाब दो, चलो जवाब दो। हम राजकुमार को बुला रहे थे बुक में देखकर। अंधेरी रात में तुम्हें राजकुमार की जरूरत थी। उसके बाद क्या हुआ? आईना कांपने लगा और उसमें दरारें पड़ने लगी, और एक भयानक शैतान बाहर आ गया। अंधेरे राजकुमार, बाहर आ जाओ, खुद को सामने लाओ। तुम्हें क्या हुआ बेटा? सब कुछ ठीक है ना? हाँ। माफ करिएगा जेंटलमैन, मेरी बेटी जल्दी प्रभावित हो जाती है। उस रात जैसे बैठे थे वैसे ही बैठ जाइए, जल्दी से। ओलंपियाडा कहाँ बैठी थी? ठीक यहाँ। तो अब ऐना तुम्हारी मदद करेगी, जो कुछ भी हुआ था वैसा ठीक ठीक बताओ। और चाकू, चाकू के बारे में बताओ। चाकू? चाकू के बारे में क्या? कैंडल्स तो बुझ गई थी, और उसने ओलंपियाडा पर हमला किया। शैतान ने? और किसने? तो फिर तुमने माचिस जलाई, और ये निशान कैसे पड़ा? तुम सच में पागल हो? तुम क्या बातें कर रही हो? मैंने ही खुद का हाथ काटा था, मैंने सिर्फ कुछ पल के लिए ही पकड़ा और था। फिर मैंने नीचे रख दिया और हम चले गए। लड़की का इतना खून बह रहा था और तुम दोनों चली गई, सो गई, ये कैसे हो सकता है? याकोब प्लाटोनोविच, लड़कियां बहुत डरी हुई थी। वो ये सब कर रही थी, और इसके लिए क्या हमें जेल जाना होगा?
मैंने उसे नहीं मारा है, मैंने खुद के हाथ को काट दिया था, फिर चाकू को नीचे रख दिया था। क्या रात में कमरे में कोई और भी था, कोई अजनबी? आप अपने आप को समझते क्या है डैड, इसकी हिम्मत कैसे हुई? जेंटलमैन, हम लड़कियों पे कुछ ज्यादा ही जोर डाल रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए पहला सवाल अब खत्म हो गया है। पहला? क्या और भी सवाल पूछेंगे? जी बिल्कुल। सुनो लड़कियों, तुम लोग बाहर इंतजार करो और जब तक बोला ना जाए कहीं जाना मत। आप रुकिए मिस्टर मिरोनोव, आपसे बात करनी है। लड़कियों मेरे साथ आओ, चलो चलो आ जाओ। तुम लोगों ने ये कब शुरू किया? मेरा मतलब शैतान को बुलाना। एक महीने पहले ये ओलंपियादा ने कहा था, उसी ने ये सब शुरू किया था और अब मुझे कसूरवार माना जा रहा है। लेकिन उस घर में ही क्यों किया? क्योंकि लिपका ने कहा था कि अगर वो घर मनहूस है तो शैतान वही रहता होगा। तुम लोगों ने वो मंत्र किताब से सीखे थे, वो किताब लाया कौन था? वो लाई थी लिपका। तो क्या हुआ, सब कुछ ठीक काम किया? वो काम कर रहा था और फिर हमने बहुत अजीब आवाजें सुनी और फिर बोर्ड कांपने लगा और उसके बाद ये सब हो गया, भयानक शैतान आया। लोग कहते हैं कि तुम और कुरियोखिन पार्टनर्स थे, लेकिन मैं मानता हूं तुम दोनों दोस्त हो। उसके साथ क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानता। सब कहते हैं जुए में कर्जा था। सब ये भी कहते हैं कि उसका तुम्हारे साथ झगड़ा हुआ था, तुमने सारे रिश्ते तोड़ लिए और फिर धंधा भी रोक दिया और उसने फांसी लगा। इन सवालों की वजह मेरी समझ में नहीं आती विक्टर इवानोविच। हमारी बेटियां बिल्कुल बेकसूर हैं। ये सब व्यापारियों का काम है, हमारा धंधा अच्छा नहीं चल रहा था इसीलिए ये सब हुआ। अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं मीडियम हूँ, मैं जानती हूँ आत्माएं क्या कर सकती हैं। मुझे पता है वो उनसे बदला लेंगी जिनके पास किताब है और वो भयानक होगा। क्या जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है? वो वहां है, तुम ला सकती हो। मुझे बताओ प्लीज, ओलंपियादा तुमसे दोस्ती करना चाहती थी? वो हम सबके साथ दोस्ती करना चाहती थी। और तुम्हारे पास कोई पार्सल भी था ना? कैसा पार्सल? क्या कैसा पार्सल? पार्सल जमीन पर पड़ा था आईने के पास। लिपका उसे वहाँ किसी वजह से लाई थी। अब वो कहाँ है? खैर, जब लिपका गिरी कातिया और मैं भाग गए, पार्सल के बारे में सोचा नहीं। क्या तुम सच में मीडियम हो? तुम ऐसी लगती तो नहीं। तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक है? हमें पता नहीं था कि शैतान सच में होता है। और अब क्या? अब हमें इस बारे में कोई शक नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? इस तरह तुम मुझे पागल कर दोगी। ये एक पुख्ता सबूत है और मैं इसे तहकीकात के तौर पर ले जा रहा हूँ, ओके? हाँ, तुम्हें इसे जला देना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन चलो थोड़ी दूर चल के बात करते हैं। लड़कियों के पास उस क्रिया के दौरान एक पार्सल था जिसमें कुछ तो था। इन लड़कियों ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ ऐसा कह सकते हैं, मगर मेरी बात सुनो, ये बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है वही पार्सल इन चीजों का जड़ है। याकूब प्लाटोनोविच, तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, आखिर वो भी बच्चियां हैं। देखिए, मृतक और इन दो लड़कियों के बीच कोई दोस्ती नहीं थी और ये सोचने की बात है। अगर नहीं थी तो क्या फर्क पड़ता है? किसी को मारने की ये कोई वजह तो नहीं हो सकती। सोचिए अगर लड़कियों के बीच में हर लड़ाई चाकू छुरी से खत्म हो। मैं जाना चाहूंगा। अरे लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि तुम बहुत ही ज्यादा नासमझी दिखा रही हो। सबके सामने किसी अविवाहित पुरुष के साथ बातें कर रही हो। डैड, हम तो सिर्फ काम की बातें कर रहे थे। सच में क्या बातें कर रही थी तुम? अब ये सब मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि डैड आप दूसरी तरफ से लॉयर हैं
चलो। चलो निकलो। डैड आप मेरी बात आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी होगी। मैं समझती हूं। क्या आपको ये याद है कि आपकी बेटी आखिरी बार किससे मिली थी, कुछ बता सकती हैं? उसकी सहेलियों से, और किससे मिलती? नहीं, ऐसा भी हो सकता कि कोई नया दोस्त हो। दोस्त? कैसा दोस्त? मेरा मतलब है कि कोई ऐसा नया दोस्त जिसने उसे ये काला जादू करने के लिए उकसाया हो। उसके कोई दोस्त नहीं थे। उसने हाल ही में उसकी क्लास की लड़कियों से बातें करना शुरू की थी। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि उसे ये किताब कहां से मिली? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने इसे पहली बार देखा है। ओलंपियाडा को किसी ने हाल फिलहाल कोई गिफ्ट दिया था क्या? कैसे गिफ्ट्स और किससे? जैसा कि कोई गहना, पुतला या फिर कोई जेवर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुमने मेरी बेटी का रूम चेक कर लिया है? मुझे आपसे एक सवाल पूछना ही पड़ेगा कि आपके पति ने खुद की जान क्यों ली थी? मुझे नहीं पता। वो कुछ दिन से बहुत निराश थे, जैसे कोई बात उन्हें परेशान कर रही हो, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे लगा बिजनेस में कोई गड़बड़ है, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी जोर देके नहीं पूछा कि क्या हुआ। इसीलिए मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानती। देखिए, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, मुझे कुछ और भी सवाल करने हैं, लेकिन मैं बाद में आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब हम क्या करेंगे? हम उसे बिना किताब के कैसे बुलाएंगे? हम नहीं बुलाएंगे, अब मैं ये नहीं करना चाहती। क्या तुम जानना नहीं चाहती? तुम पागल हो क्या? उसने लिपका को मार डाला है, वो हमें भी मार डालेगा। ओलंपियाडा ही ये सब करना चाहती थी, इसलिए उसे मार डाला। पार्सल कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिया, तुमने ही उसे छुपाया था। नहीं, मेरे पास नहीं है, तुमने ही लिया था। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं था। और वो दिव्य दृष्टि वाली उसके बारे में ही पूछ रही थी। अगर उसके पास दिव्य दृष्टि होती तो वो पूछती ही नहीं। पता नहीं उसके अंदर क्या था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस लड़की का खून हुआ है वो लड़की दरअसल आ जाइए। हेलो, गुड इवनिंग। आप यहां कैसे? मेरा आपके पास एक काम है, थोड़ा निजी काम है। ये कोरोबेनिकोव हैं, ये मेरे असिस्टेंट हैं, मेरे सब कामों में साथ देते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, मगर ये बहुत निजी काम है। सुनो, एक काम करो, थोड़ी देर के लिए तुम बाहर चले जाओ, जब बुलाऊं तब आना। जी ठीक है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या ये कोई सबूत है? 300 रूबल्स, अगर आप ऐसा कह दें कि ये एक हादसा था।
तुम समझते क्या हो मुझे? इसे उठाओ, निकलो। गुस्सा मत करो, ठीक से सोचो। कातिया वो उसकी मां पर गई है, जिप्सी खून है। जब भी उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है वो चाकू उठा लेती। जानते एक बार उसने मेरा कला काट दिया था। उसे जल्दी गुस्सा आता है। ये ले लीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने पैसे उठाओ और यहां से निकल जाओ। उठाओ इसे और निकलो। तुम्हें खुद पर काबू करना होगा। तुम्हें यहां आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। अगर तुमने ये केस लड़ना जारी रखा तो अंजाम बुरा होगा। ऑल द बेस्ट। वो ऐसे भाग रहा है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इस शहर में जिसे भी देखो एक ही बात करता है, भूतों की। ऊपर वाला ही बचा है। आओ ओलंपियादा की आत्मा, आओ आओ ओलंपियादा की आत्मा, आओ। ओलंपियादा की आत्मा आ जाओ, ओलंपियादा की आत्मा आ जाओ। ओलंपियादा, बताओ मुझे, उस घर में तुम्हारी दो सहेलियों के अलावा और भी कोई था? क्या उसी ने तुम्हें मारा था? वो सबको ले जाता है, किसी को नहीं छोड़ता। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूं? नहीं नहीं, आप अंदर आ जाइए। मैंने काफी समय से तुम्हें देखा नहीं था। मैं बहुत व्यस्त थी। हाँ मैं समझ सकता हूं, जानता हूं कि तुम प्रैक्टिस कर रही हो। वैसे आजकल तुमने मेरी सलाह लेना पूरी तरह से बंद कर दिया। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? आप भी ना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, आपके सलाह के लिए। है ना, जानती हूँ मैं क्या सोचता हूँ? क्या? कैसा होगा अगर तुम और मैं सेंट पीटर्सबर्ग जाएं? सेंट पीटर्सबर्ग? हाँ, जैसा कि हम चाहते थे, सिर्फ हम दोनों। मैं वहां तुम्हें मीडियम सोसाइटी से मिलवा सकता हूँ। मुझे वहाँ लोग जानते हैं, मैं वहाँ बहुत मशहूर हूँ, और तुम्हें जिनसे मिलना चाहिए मैं उन सबसे तुम्हें वहाँ मिलवा सकता हूँ। मेरा यकीन मानो, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। और ये शहर, ये ज़ेतोंस्क, ये तुम्हारे हुनर के लिए बहुत छोटा शहर है, और मैं भी यहाँ सड़ रहा हूँ। बोलो क्या कहती हो? पता नहीं। चलो भाई, तुम हमेशा से चाहती थी तो अब क्या हो गया? हाँ शायद, पर अभी नहीं। मिस्टर स्टोलमन तो सेंट पीटर्सबर्ग में नहीं है, मिस्टर स्टोलमन तो यहाँ पर है ना? आप क्या कह रहे हैं, स्टोलमन का इससे क्या लेना देना? है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। उस स्टोलमन से तुम बच के रहना, क्योंकि पता है कि सेंट पीटर्सबर्ग के किसी बुरे हादसे में वो शामिल था। तुम्हें ये बात किसी ने बताई क्या, जिसमें एक औरत भी शामिल थी? औरत? वो कैसे? एक लड़ाई, और वो स्पेशल ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट से उसे यहां भेज दिया गया था। मिस्टर स्टोलमन एक व्यभिचारी है,
वो एक वुमनाइजर है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। स्टोलमैन तो काफी काफी सीरियस लगता है। इन दोनों बातों का आपस में कोई मेल नहीं है कि जो सीरियस दिखता है जेंटलमैन दिखता मुझे है। मुझे जाना है। इतनी रात को आप मेरी मदद करेंगे? सच में जाना है क्या? सच में मुझे जाना होगा। वैसे आज रात को आप क्या करने वाले थे? मैं तो सॉलिटेयर खेलना चाहता था। इसका आपस में कोई मेल नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये वो नहीं है। तुम यहां पर, यहां क्या कर रही हो तुम? डेस्क सर्जन जगह पे नहीं था। हाँ, वो चला गया होगा। तुम यहां पर क्यों आई हो? कात्या ने ओलंपियादा को नहीं मारा है। तुमने ये कैसे सोच लिया? ओलंपियादा ने मुझे बताया। एना विक्टोरोना, प्लीज। और उसने ये भी बताया कि उसे एक शैतान ने मारा। तुम अच्छे से जानती हो मैं इन सारी बातों में विश्वास नहीं करता हूँ। जब भी तुम ये किताब अपने हाथ में लेते हो तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? हाँ, याकोव प्लैटोनोविच, जब मैंने इसे छुआ तब मैं सांस नहीं ले पा रही थी। इसमें शैतानी ताकत है। याकोव प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, चलो उस घर में चलते हैं। वो सच में भूतिया है और उसका तोड़ भी वहीं मिलेगा। देखो, अभी बहुत रात हो चुकी है, वहां जाने से भी कोई फायदा नहीं है। तुम घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी राह देख रहे होंगे, शायद वो परेशान भी हों। मेरे कान पक गए हैं। कम से कम इतना इत्मीनान तो है कि वो किसी आत्मा को नहीं बुला रही है। तुम्हें नहीं लगता आज हमारी बेटी कुछ ज्यादा ही बेसुरा बजा रही है? और मैंने तुम्हें ये गौर करने के लिए कहा था कि उसकी सारी बुरी आदतें तुम्हारे भाई से मिली हैं। पहले वो आत्मा है और अब ये बांसुरी। खैर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एना विक्टोरोना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे पता है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और उन लड़कियों की भी। इसे मेरी बहादुरी मत समझना, मैंने कुछ ज्यादा पी ली है, समझी? या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो तुमने मुझे उकसाया है। देखो, तुम बेहद खूबसूरत हो, अच्छी बातें करती हो, लोग तो कहते हैं कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की पूरे शहर में नहीं होगी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी किस्मत में यहाँ पैदा होना लिखा था। नहीं, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मतलब तुम जतोंस की बिल्कुल लगती नहीं हो।
उम्मीद है आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। अब पूछने की बारी मेरी है, आप इस शहर में कैसे आ गए? बड़ी लंबी कहानी है। लोग कहते हैं कि आप सेंट पीटर्सबर्ग में स्पेशल ऑफिसर थे। सच कहते हैं, मगर ये बिल्कुल भी रोचक नहीं ये है। तो बहुत रोचक है। और सब ये भी कहते हैं कि आपने कैपिटल किसी औरत की वजह से छोड़ दी। आप उसे पीछे छोड़ आए। कैपिटल को? आपके रिश्ते को? जी हाँ। पूरी तरह से? ये तो हो गया। एंटोन एंड्रेविच, तुम इतनी देर रात यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कोई खास बात है? माफ कीजिए, लेकिन ये पेपर वर्क कभी खत्म नहीं होता। एना विक्टोरोवना, मैं गुड इवनिंग। अब वैसे मेरा आज का काम तो हो गया है, आपकी इजाजत हो तो मैं। नहीं नहीं नहीं, तुम रुको। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। एक काम करो, इन्हें घर छोड़ाओ, ठीक है? जी क्यों नहीं, खुशी से। ऑल द बेस्ट। सच कहूं तो मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है। और उसके बाद एना विक्टोरोवना की या तो जीत होती है या फिर हार होती है, मतलब या तो जीत जाओ या फिर मर जाओ। और याकोव प्लाटोनोविच कहते हैं, कुल्हाड़ी फेंक दो, मैं 10 कदम दूर से मक्खी को मार सकता हूँ। और वो शराबी वो याकोव प्लाटोनोविच के सामने कुल्हाड़ी लेके चिल्ला रहा था और याकोव प्लाटोनोविच उसके पैर पे गोली मार देता है। उसने हड्डी को छुआ तक नहीं और वो आदमी गिर पड़ता है, हिलता तक नहीं। याकोव प्लाटोनोविच, याकोव प्लाटोनोविच, बाप रे। अब रहने भी दो, वो सिर्फ एक याकोव प्लाटोनोविच है। वो जानती हूँ, मगर उसकी सेंट पीटर्सबर्ग की कहानी क्या है? वो लड़ाई। बताओ मुझे। एक औरत की वजह से। ठीक से बताओ मुझे। पता है, मैंने आरटीओ खिन की बातचीत सुन ली थी, हमारे पुलिस के चीफ, चुपके से ही बेशक। खैर, तब मैं स्टोलमन को तो नहीं जानता था। याकोव प्लाटोनोविच ने ऐसे ही बस हवा में फायर किया था और उसके सामने वाले ने उस पर गोली चला के उसे घायल कर दिया, और उसी वजह से याकोव प्लाटोनोविच को डिमोटेड करके यहाँ भेजा गया है। जैसे कि ये साइबेरिया हो। हाँ बिल्कुल, मुझे इस बात में कोई शक नहीं लगता। तुम वो घर देख सकते हो? हाँ हाँ, देख सकता हूँ। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम चलोगे मेरे साथ? मैं? ना विक्टोरोवना, देखिए इस वक्त इसकी क्या जरूरत है। चली गई। रुकिए, मैं भी आ रहा हूं। या फिर किसी और दिन आऊंगा, चलेगा? एना विक्टोरोवना, एना विक्टोरोवना, एना विक्टोरोवना, एना विक्टोरोवना, हो गया आपको? चलिए यहां से चलते हैं। कुरियोकिन की आत्मा जवाब दो। कुरियोकिन की आत्मा,
तुम्हारा खून हुआ था। ये तुम्हारे दोस्तों की वजह से हुआ था। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, हिलना मत, रुक जाओ, 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 उसके पीछे जाओ, जाओ, भागो, रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। मैं पुलिस हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। दरवाजा खोलो, मैं पुलिस हूँ, जल्दी से खोलो दरवाजा। आप कौन है? झाड़ू वाला, झाड़ू लगाता हूँ। ये बताओ तुम इस घर में क्या कर रहे हो? कुरियोकिन की आत्मा, क्या तुम यहां हो? बताओ मुझे, तुम्हारा खूनी कौन है? रुखरूव, कौन हो तुम? कौन हूं मैं? जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं हो। बताओ कुरियोकिन ने क्या कहा, क्या कहा उसने? बचाओ मुझे। चलो मेरे साथ, चलो जल्दी आओ। है ना विक्टर अम्मा? है ना? कहा? अंदर। अरे तुम जल्दी आओ यहां पर। यहां पर तो कोई भी नहीं दिख रहा है। ये लीजिए। मैंने देखा कोई दरवाजे से भाग रहा था। मैं जब वहां पर पहुंचा और सीढ़ी से ऊपर गया तो ये आदमी चिल्लाने लगा, पुलिस पुलिस, इसीलिए मैं भागा। अगर पुलिस है तो भागने की क्या जरूरत है? पुलिस है इसीलिए तो भागना पड़ता है। क्या पता कोई मुसीबत गली में पड़ जाए। अनाड़ी कहीं के, तुम्हारी वजह से क्रिमिनल भाग गया और एना विक्टोरोवना पर हमला हुआ। ये तो बताओ कि वो दिखता कैसा है? मैं अंधेरे में उसे देख नहीं पाया, सिर्फ परछाई दिखी। लो कर लो बात, ये देख नहीं पाए। आखिर वो गया कहां, देखा तुमने? नहीं बता सकता। पीछे एक दरवाजा भी है और उसमें छेद बने हुए हैं। बताओ प्लीज, तुमने कुछ तो ऐसा देखा होगा, जैसे कुछ अजीब सी आवाजें उस घर से, कुछ तो सुना होगा तुमने। आवाजें तो सुनी है और घर में और कभी कभी बाहर देखा भी है। क्या देखा था तुमने? ये घर बहुत मनहूस है, कई तरह के भूतों से भरा हुआ है। वो चिल्लाते हुए भागते हैं, तरह तरह की आवाजें करते हैं, कभी जलते हुए दिखते हैं तो कभी बच्चों की तरह रोते हैं। अगर ये सच भी है तो तुमने किसी जिंदा को देखा है? हाँ देखा है, एक लड़की को, पिछली रात ही देखा है। एक लड़की, लगभग 13 साल की, उससे कम उम्र की। वो मुझे तब दिखी जब मैं घर के सारे दरवाजे बंद कर रहा था। वो आखिरी दरवाजे पर दिखी थी मुझे। और तुमने क्या देखा? उसके हाथ में क्या था? मैं ठीक से नहीं देख पाया, कुछ पार्सल जैसा लग रहा था। तो उसने एक खाली घर में अजनबी का पीछा किया। और वो उस मनहूस घर में अजनबी का पीछा करते हुए डरा नहीं, मगर जब किसी ने चिल्लाया तो वो डर के भाग गया। हाँ, बात तो सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कितना अजीब है। ये तो सच में बड़ी अजीब बात है, मगर इसे साबित क्या हो सकता है? इसका क्या मतलब है इस बात का? हो सकता है वो उस अजनबी से मिलना चाहता होगा। हाँ, हम पहुंच गए। हाँ, गुड नाइट।
गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। है ना विक्टर होना।